अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश प्रोफेसर उल्फत। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियोस आप तक इजीली पहुंच सकें। सो वी आर स्टार्टिंग चैप्टर नंबर 9 द फुलिश कैक फ्रॉम इंग्लिश फर्स्ट ईयर कोर्स, और आज स्पेशल लेक्चर नंबर 2 है। द चैप्टर इज़ रिटन बाय नो राइटर बिकॉज इट इज़ अ फोक टेल। इस पर थोड़ी सी डिस्कशन हमने प्रीवियस लेक्चर में कर ली थी, समरी डिस्कस कर ली थी, मॉरल एंड थीम डिस्कस कर लिया था, और इसकी हमने टेक्स्ट पढ़ना स्टार्ट की थी, तो आज उसी को कंटिन्यू करते हैं, आज इसको वाइंड अप करते हैं। दिस पैराग्राफ इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम ट्रांसलेशन पॉइंट ऑफ व्यू। दिस टाइम इट वॉज एन ओल्ड मैन हु ऑफर्ड हिमसेल्फ फॉर ट्रीटमेंट। इस मरतबा एक बूढ़े आदमी ने खुद को इलाज के लिए पेश किया। बट द प्रीटेंडेड डॉक्टर सेट, प्रीटेंडेड मीन फेक, नकली, जैली। लुक एयर गुड पीपल, लेकिन जल्दी डॉक्टर ने कहा देखो अच्छे लोगों, आई शेल डू माई बेस्ट टू क्योर दिस केस, बट रिमेंबर इफ आई एम सो अनफॉर्चुनेट, अनफॉर्चुनेट मीन अनलकी, एज टू किल हिम आई एम नॉट टू बी कंपेल्ड, कंपेल्ड मीन फोर्स्ड, मजबूर करना, टू डिग द मैंस ग्रेव, मैं इस बीमारी के इलाज के लिए अपनी पूरी कोशिश करूँगा, लेकिन अगर बदकिस्मती से ये मेरे हाथों से मर गया तो मुझे इस आदमी की कब्र खोदने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। अ प्रैटी, प्रैटी मीन स्ट्रेंज, अजीब सॉर्ट ऑफ डॉक्टर यू मस्ट बी, क्राइड दे, बिफोर यू बिगिन योर ट्रीटमेंट यू आर टॉकिंग ऑफ डिगिंग द पेशेंट्स ग्रेव, अवे विद यू, वी शैल हैव नथिंग टू डू विद यू। वो चिल्ला कर बोले या वो चीख कर बोले, तुम तो अजीब किस्म के डॉक्टर हो, अपना इलाज शुरू करने से पहले ही तुम मरीज़ की कब्र खोदने की बातें कर रहे हो, चले जाओ यहाँ से, हमें तुमसे कुछ लेना देना नहीं है। हियरिंग दिस द प्रिटेंडेड डॉक्टर बिगेन टू से टू हिमसेल्फ, व्हाट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीन अनयूजुअल, स्ट्रेंज, अजीब थिंग दिस इज, माई बेस्ट प्लान श्योरली इज टू रिटर्न टू द कैमल मैन एंड टेल दैम दे हैव नॉट शोन मी द राइट वे टू क्योर दिस डिजीज़। ये सुनकर वो जल्दी डॉक्टर खुद से ही कहने लगा, ये कितनी अजीब बात है, मेरा बेहतरीन तरीक़ाकार ये होना चाहिए कि मैं ऊँटों वाले आदमियों के पास वापस चला जाऊँ और उनको बताऊँ कि उन्होंने इस बीमारी के इलाज करने का सही तरीका मुझे नहीं बताया, परहैप्स दे विल एडवाइस मी, शायद वो मुझे कुछ नसीहत करेंगे। When he had overtaken, overtaken means reached, पहुँचना, them he said, he cried, what foolishman you must be। जब वो उनके पास पहुँचा तो वो चिल्ला कर बोला, तुम सारे लोग कितने अहमक हो। I met an old woman who suffered mean grieve, मुबतला होना, from goiter just like your camel, and I tied a blanket round her neck and struck her with a mallet, but instead of recovering mean getting better, बेहतर होना, like your camel she died, आपके ऊँट की तरह, मैं एक बूढ़ी औरत से मिला जो बिल्कुल आपके ऊँट की तरह गिलड़ की बीमारी का शिकार थी, और मैंने उसकी गर्दन के इर्द गिर्द एक कंबल लपेटा और एक डंडे से ज़रब लगाई, लेकिन आपके ऊँट की तरह से याब होने की बजाय वो मर गई, एंड इंस्टेड ऑफ गेटिंग अ फी आई वॉज कंपेल्ड टू डिग हर ग्रेव, और मुआवजा या फीस हासिल करने की बजाय मुझे उसकी कब्र खोदनी पड़ी या मुझे उसकी कब्र खोदने पर मजबूर किया गया। नेक्स्ट पैराग्राफ इज़ इम्पोर्टेंट फ्राम पंचुएशन पॉइंट ऑफ व्यू। It is not we who are stupid. Stupid means foolish, अहमक, answered the camel man. But you, ये हम नहीं हैं जो अहमक हैं, बल्कि ये तुम हो। यानी वो उन्होंने क्या जवाब दिया कि अहमक हम नहीं हैं बल्कि अहमक तुम हो। We are not stupid at all. हम बिल्कुल भी बेवकूफ़ नहीं हैं। These animals are camels are prodigious. Prodigious mean huge, बड़ी, ताकतवर। Size and strength. Strength mean ताकत। ये ऊँट बहुत बड़ी जिसामत और ताकत के मालिक जानवर हैं। How was a feeble? Feeble mean weak, कमज़ोर। Old woman to stand the blow of a mallet. कैसे एक कमज़ोर बूढ़ी औरत हथौड़े या डंडे का वार सह सकती थी। नो इट इज़ यू एंड यू ओनली हु आर स्टूपिड, नहीं ये तुम हो और मैं तुम ही हो जो कि अहमक है। दिस पैराग्राफ इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम ट्रांसलेशन पॉइंट ऑफ व्यू। वन ऑफ द मैन नो स्टेप फॉरवर्ड सेइंग टू हिज फ्रेंड्स यू रिमेन क्वाइट एंड लीव दिस वैली टू मी। अब एक आदमी अपने दोस्तों से मुखातब होते हुए आगे बढ़ा और बोला आप लोग खामोश रहें और इस आदमी को मेरे हवाले कर दें। देन एड्रेसिंग हिमसेल्फ टू द न्यू कमर, और फिर उस नवारत से खुद को
खुद का तारफ करवाते हुए ही क्राइड, वो बोला या उसने चिल्ला कर कहा, हियर यू सर, दिस मैन डू नॉट अंडरस्टैंड द मैटर एट ऑल, जनाब आपने जवाब सुना, ये लोग इस मसले को हरगिज नहीं समझते हैं, आई कैन सेट इट ऑल राइट फॉर यू इन अ मिनट, मैं ये मामला आपके लिए एक मिनट में सुलझा सकता हूँ। सेइंग दिस, ये कहकर ही लिफ्टेड अ हैवी स्टिक, उसने एक मोटा सा या एक बड़ा डंडा उठाया, बाउंड विद आयरन रिंग्स, उसने लोहे के कड़ों वाला एक मोटा डंडा उठाया, एंड स्टक अ कैमल विच वॉज फीडिंग ऑफ द लीव्स ऑफ अ वाइल्ड प्लम ट्री, प्लम मीन आलूबुखारा, और एक ऊंट को दे मारा जो जंगली आलूबुखारे के दरख्त के पत्ते खा रहा था। द स्टोलिड क्रिएचर, स्टोलिड मीन इम्पेसिव, बेहिस, स्कार्सली मीन हार्डली, मुश्किल से, फीलिंग द ब्लो, मेरली मीन ओनली, मूव द स्टेप आर टू फॉरवर्ड, उसमें हिस या सुस जानवर ने बमुश्किल ही इस वार को महसूस किया और महज एक या दो कदम आगे बढ़ गया। यू ऑब्जर्व, तुमने देखा, सेड द मैन, उस आदमी ने कहा, तुमने देखा द इफेक्ट ऑफ दिस ट्रीटमेंट ऑन द कैमल, उस आदमी ने कहा इस अमल का उस ऊंट पर असर आपने देखा है। नो ऑब्जर्व इट्स अफेक्ट ऑन ह्यूमन बींग, अब इस अमल का रद्द अमल इंसान पर या इंसानों पर देखें। ही देन स्ट्रक द मैन हिमसेल्फ अ सिमिलर ब्लो विच फेल्ड हिम, फेल्ड मीन फ्लोर, गिरा देना, टू द अर्थ लाइक अ लॉग, लॉग मीन लकड़ी, जिस तरह टहनी जिसको बोलते हैं। तो उसने तब ऐसा ही एक वार उस आदमी पर किया जिसने उसे दरख्त के एक टहने की तरह ज़मीन पर गिरा दिया। वैन कॉन्शियसनेस मीन अवेयरनेस रिटर्न दिस बिविल्डर मीन कन्फ्यूज, शॉक्ड, घबराया हुआ, विक्टिम इन शिकार, इनक्वायर्ड, पूछना, वाई सर दिस क्रूअल यूजर्स, जब होश आवास बहाल हुए तो हैराना परेशान उस शिकार आदमी ने, यानी जिसको उसने डंडा मारा था, उस आदमी ने पूछा, क्यों जनाब ऐसा ज़ालमाना सलूक क्यों। नेक्स्ट पैराग्राफ एंड लास्ट पैराग्राफ इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम पंचुएशन पॉइंट ऑफ व्यू। डू यू नॉट परसीव, परसीव मीन अंडरस्टैंड, समझना, आंसर द कैमल मैन, ऊँटों वाले आदमी ने जवाब दिया कि आपको समझ नहीं आई, आई विश टू शो यू दैट वॉट इज गुड फॉर कैमल्स इज नॉट गुड फॉर पुअर ओल्ड मैन एंड वुमन, मैं आपको ये दिखाना चाहता था कि वो स्लूक जो ऊँटों के लिए अच्छा है वो बेचारे बूढ़े मर्दों और औरतों के लिए अच्छा नहीं है। सेड द रेस्ट मैन, रेस्ट मीन मिजरेबल, उस बदकिस्मत आदमी ने, आई नो बिगिन टू सी माई एरर, नेवर नेवर अगेन शैल आई सेट माई सेल्फ अप फॉर अ डॉक्टर, बदकिस्मत आदमी बोला मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, आइंदा मैं कभी भी खुद को एक डॉक्टर या एक मॉलिज के तौर पर पेश नहीं करूँगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर, वी हैव एंडेड द स्टोरी, आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, और ये सेल्फलेस मेरी एफर्ट्स हैं आप लोगों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट्स क्लासेस नहीं ले सकते, कॉलेजेस में नहीं पढ़ सकते, वो ऑनलाइन क्लासेस लेके पढ़ सकते हैं, वो अपने लेक्चर्स, मेरे लेक्चर्स सुनकर अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं। तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।